गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और अभी मैं वापस जा रहा हूँ, टोनिस एयरपोर्ट पे हूँ और मेरा विजिट ख़त्म हो गया। मेरा एक्चुअली जो स्टे था ना, वो पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया होगा, वो ऑलमोस्ट था 12 दिन का। वीज़ा मेरा 3 महीने का है, लेकिन स्टे मेरा 12 दिन का था। बट वो स्टे एक्सटेंड करवाना होता है, अगर उसको एक्सटेंड नहीं करवाते आप पुलिस स्टेशन में जाके लोकल, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ाइन पे करना पड़ता है। कोई बोलता है 20, कोई बोलता है 30, कोई 120, समथिंग लाइक दैट। और अभी मेरा एक्सटेंड हो नहीं पाया, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं आते हुए फ़ाइन पे कर दूँगा एयरपोर्ट पे। और अगेन ये वीडियो मैंने बनाया एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जो कि पहले एक एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस था रिलेटेड टू ट्रैवल टू ट्यूनिस और इन ऑल यू कैन से ट्यूनिशिया एज ए कंट्री। और हुआ क्या कि फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ये रहा कि मैं आया तो मेरा लगेज जो था ना, ये ट्यूनिस एयरपोर्ट है और ये गेट नंबर 52 है, इफ यू कैन सी। यहाँ से दुबई के लिए मेरी फ्लाइट बोर्ड होगी करीब 3 बजे का टाइम है, 2:55 का, बट अभी 1 घंटा बाकी है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा एक एक्सपीरियंस का वीडियो शेयर कर देता हूँ, जो कि अगेन उनके रेफरेंस में, जो इंडिया के एक अपने यूट्यूबर हैं राजस्थान से और एक भाई कोई पाकिस्तान का है जो टर्की में रहता है, उसने शेयर किया था कि उसको कैसा क्या फीलिंग या लोगों का एक्सपीरियंस क्या था, एयरपोर्ट के लोगों ने कैसे बिहेव किया। तो फर्स्ट थिंग तो मेरा लगेज थोड़ा एक्स्ट्रा था, बट वो चलता है, उसमें उसने कुछ कहा नहीं। जो काउंटर पे लेडी थी और बड़े नाइसली उसने बोला कि कहाँ से, इंडिया से हो, अच्छा लगा ट्यूनिशिया आके, ये सब क्वेश्चन पूछे और नॉर्मल बात हुई। और फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगेज होता है, वो चलता है, तो मेरा वेट कुछ ज़्यादा था, उसने कुछ नहीं बोला, जाने दिया। तो नंबर एक चीज़ तो ये है, लगेज को लेके जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अगर लोग हम बोलें कि एक पर्सपेक्टिव बनना है कि भाई सभी लोग ख़राब हैं, मेरी नज़र में तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लेवल पे क्या है, नीचे के लेवल पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ बख्शीश, जो यहाँ एक अरबिक वर्ड है, इंडिया में भी यूज़ होता है, मतलब कुछ टिप वगैरह आप उनको दो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो उसके लिए थोड़ा एफर्ट मारते हैं कि आप दो, अदरवाइज़ आप पोलाइटली अगर डिक्लाइन कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है। दूसरा ये है कि काउंटर से मैं आ गया, और ये जो मैं लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें ये हो गया कि ड्राइवर हो गया, कोई स्वीपर हो गया, कोई सिक्योरिटी वाला हो गया, इन सब की बात कर रहा हूँ मैं। किसी ऐसा नहीं है कि जॉब के हायर ग्रेड की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे कोई पुलिस में है या कोई उसमें है, अपना इमिग्रेशन वगैरह में है या कहीं और है। थोड़ा बहुत एक आध कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ होगा, वो इंडियन भाई के साथ भी और पाकिस्तानी के साथ भी, बट उसके भी रीजंस थे मेरी नज़र में। सेकंड मेरा हुआ कि मेरे को किसी ने ये गिफ्ट किया था, अच्छा सेकंड मेरा ये वीज़ा एक्सपायर हो गया था, स्टे वीज़ा नहीं, वीज़ा तो मेरा था लेकिन स्टे एक्सपायर हो गया था। स्टे एक्सपायर होने से क्या हुआ कि मेरे को पेनल्टी पे करनी थी, तो जब मैं काउंटर पे आया तो उसने बोला कि भैया आपको 30 दिनार का TND ट्यूनिशियन दिनार का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भैया क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मालूम है पे करना है, आप बताइए कितना अमाउंट है, वो मैं पे करता हूँ। तो उसने बोला कि 30 दिनार आपको पे करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, पे कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, ये आप दूसरे साइड वाले काउंटर पे जाओ, पे कर दो। तो मैं मेरा पासपोर्ट दे दिया उसने, और किसी बंदे को बुला के उसने बोला कि भैया ले जाओ, ये इसका पेनल्टी है ओवर स्टे का। उसने पूछा जिस बंदे को
थोड़ा सा हायर रैंक ऑफिसर होगा मेरे ख्याल से, उसने मेरे से पूछा कि भैया कहाँ से आए हो। मैंने कहा जी मैं तो यहाँ ऑफिस में काम से आया था और अभी जा रहा हूँ मैं इंडिया वापस। कहता इंडिया से हो, पासपोर्ट भी उसने देख लिया था, अल हिंद। मैंने कहा हाँ, तो वो वापस गया जिस बंदे जिस काउंटर से मैंने इमिग्रेशन किया था उससे। तो वो बोलता है कि यार ये तू क्या कर रहा है, उस बंदे को बोला जिस काउंटर से मैंने इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाया था। कहता है ये बंदा इंडिया से आया इतनी दूर से, दो चार दिन ऊपर नीचे हो गया, ये ऑफिस के काम से आया था और तू पेनल्टी की बात बोल रहे। बोला इसको कैंसिल कर। तो ये एक सेकंड एक्सपीरियंस था जो कि अपोजिट है जैसा कि वो बोल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के। जो मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, जस्ट घूमता हूँ तो इधर उधर वीडियो बना लेता हूँ। और वो वीडियो मैंने ट्यूनिशिया में आने से पहले देखे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी देखता हूँ कि क्या होता है। मैंने वो पाकिस्तान वाले थे उस पर तो कमेंट भी किया था भैया मैं 22-23 तारीख को जाऊँगा जनवरी में, देखता हूँ क्या रहता है। आया, मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट अच्छा रहा है, जो एक मैंने लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट अच्छे से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नाइसेस्ट पीपल बोल सकते हो मेरे को मिले। और तो दूसरा केस मैंने ये बताया कि मेरा स्टे एक्सपायर हो गया था। स्टे एक्सपायर होने पे जो पेनल्टी थी वो उन्होंने ली नहीं। बंदे ने बोला कि यार ये इंडिया से आया इतना दूर से, तो उसकी पेनल्टी वेनल्टी सब कैंसिल कर। उसने वापस से पासपोर्ट लिया, मेरी मशीन पे स्कैन किया और कैंसिल कर, पेनल्टी कैंसिल कर। दूसरा उसने मेरे को मजाक में बोला कि अगली बार आओगे ना तो आपको डबल पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर अगली बार दोबारा से ओवर स्टे किया तो, मतलब अलाउड दिनों से ज़्यादा। मैंने कहा यार ठीक है, डबल पे करूँगा अगली बार अगर ज़्यादा रुकता हूँ तो। मैं भी उसको मजाक में बोल गया। थर्ड चीज़ एक और बड़ी यूनिक इंडिफरेंट चीज़ है। मेरे को वन ऑफ द फ्रेंड आप बोल सकते हो, कलीग, बहुत अच्छे लोग थे जितने भी कलीग मेरे को मिले, टॉप क्लास वुमेंस कोवर्कर्स बोल सकते हो। यहाँ पे मैं गया था काम करने के लिए, जितने भी थे लड़कियाँ लड़के सब, तो उन्होंने एक कुछ गिफ्ट दिया था, ओलिव ऑयल और स्वीट्स, जो कि मैं लगेज में नहीं रख पाया, वो ओवर वेट हो चुका था मेरा लगेज जैसे मैंने शुरू में बताया। तभी अब हुआ क्या कि मैंने वो हाथ में पकड़े हुए, मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है वो। ये चीज़ था, ये तो एक तो ऑलिव ऑयल का वो है, ये किसी ने गिफ्ट दिया था कि भैया मेरे को आप खरीदना मत। मैंने बोला था कि यार मैं लेके जाऊँगा, तो बोला खरीदना नहीं हमको, हम आपको दे देंगे। और ये स्वीट्स हैं, कोई ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं यहाँ, ये दोनों चीज़ें मैं हाथ में ही लेके आ गया। मैंने सोचा चलो रिस्क लेते हैं क्या होता है, क्योंकि लगेज तो वैसे ही हो रहा था। तो जब मैंने सिक्योरिटी क्लियर किया था, एक लेडी थी जो आपका स्कैनर चेक करती है, तो उसने बोला मेरे को कि वापस भैया ये बाहर निकालो, आप ओलिव ऑयल आप नहीं लेके जा सकते। तो मैं थोड़ा सा उदास हो गया सच बोलूँ तो, किसी ने इतने प्यार से दिया और एक इंटीमेसी का लेवल जो था वो काफ़ी हाई लेवल का था, तो इस वजह से मैंने उसे बोला कि यार रिक्वेस्ट है आपको ले जाने, तो मेरे को ऐसे ही गिफ्ट दिया है किसी ने। तो उसको भी लग गया है कि यार ये थोड़ा सा सैड फील कर रहा है, उसको थोड़ा लगा कि यार ये सैड फील कर रहा है। तो उसने बोला यार एक काम करो, आप ये एक केबिन है ना, इसमें चले जाओ, यहाँ पे लोग बैठे हैं, अगर वो हाँ ना कर देंगे ना तो मैं अलाउ कर दूँगा। बोल तो वो अरेबिक में ही बोल रही थी, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रही थी। एक स्ट्रेंज चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे लोगों से आप पूछो कि आप अरेबिक हो क्या, तो ऑलमोस्ट सब मना करते हैं कि नहीं अरेबिक तो कोई थोड़े बहुत हैं।
नॉर्थ ट्यूनीशिया में यूरोपियंस मेनली रोमन्स जो पुराने टाइम में यहाँ पे रहते थे, थोड़े बहुत अरबिक हैं, थोड़े टर्किश पीपल हैं और भी फ्रेंड्स वगैरह के जो बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए बट रहते ही हैं। तो बड़ा मिक्स्ड अप है नॉर्थ ऑफ ट्यूनीशिया। साउथ में एक 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 स्पेशल इनका एक ट्राइब है अल घिमर, या पता नहीं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग गूगल पे कर लेना क्या है वो ट्राइब। सारा डेजर्ट का है और अल्जीरिया और आपके लीबिया के साउथ में और ट्यूनीशिया के साउथ में मिलता है वो ट्राइब। वो ट्राइब के लोग हैं। तो किसी के माइंड में ये रहे कि भैया इधर के सभी लोग अरबी हैं तो ऐसा नहीं है। ट्यूनीशिया के लोगों ने बोला कि अरबी बहुत थोड़े हैं, हम लोग अरबी नहीं हैं। मैंने दो तीन लोगों से पूछा, सब ने यही आंसर किया। लोकल हैं, मिक्स्ड हैं और दूसरी ट्राइब्स हैं अरब के थोड़े बहुत लोग, बट हाँ लैंग्वेज एक अरबिक है। सब कंट्री यहाँ पे जैसे अल्जीरिया हो गए, मोरक्को हो गए, ये सब अरबिक बोलते हैं, जितने भी मिडल ईस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, बट वो सब अरब्स का नहीं है। अलग अलग ट्राइब, अलग अलग रेसेज हैं उसमें। और तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब मैं, वो बंदा आ गया है, वो किबिन से इतनी देर में कुछ कोई खुद ही निकल के आ गया। मैं उधर जाने वाला था क्योंकि मैंने अपने जूते वूते पहने, जैकेट वैकेट पहनी सिक्योरिटी के बाद। मैंने कहा जाता हूँ उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो मान लेता है कि भैया ठीक है, बोर्डिंग शुरू हो गई आई थिंक फ्लाइट, तो रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। तो मैं गया नहीं, उससे पहले ही वो आ गया। कहता क्या हुआ, कह रहा यार तेल अलाउड नहीं है, ये नहीं लेके जा सकते। इंडिया में या थाईलैंड वगैरह में आप देखोगे ना, थाईलैंड में तो पानी भी निकलवा लेते हैं आपका, और शायद इंडिया में भी बोतल में कोई लिक्विड हो, लिक्विड कोई भी हो, आपको नहीं अलाउड है। तो मैंने कहा देख लो, नहीं अलाउड करोगे तो छोड़ के जाने। बट मेरे को ज़्यादा तकलीफ इसलिए कि किसी ने दिया था, इस वजह से प्रॉब्लम ये नहीं थी। लाया होता तो कोई बात नहीं, ठीक है 200-400-500 का जो भी था रह जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा वो थी। तो फिर क्या हुआ, वो बंदा आ गया और कहता है यार कहाँ से आया, कहाँ गए, पासपोर्ट लिया ऐसे, कहता अल हिंद। मैं कहा इंडिया से हूँ, हिंद से। तो कहता है यार अब की बार ले जा, लेकिन देख आगे दुबई में अगर सीधी फ्लाइट होती ना तो तेरा कोई दिक्कत नहीं थी, पहुंच जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुबई में दोबारा से तू सिक्योरिटी क्लियर करेगा तो उस टाइम पे तू इसको बोल देना कि भैया मैंने ड्यूटी फ्री से लिया है, बिल इधर उधर हो गया, ठीक है। मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था, ये अलाउड कर दूँ। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, फ्लाइट की बोर्डिंग ऑलमोस्ट शुरू होगी। और यही था कि आप जाओगे, लोगों से बात करो तो बहुत अच्छे लोग हैं। बस यही एक एक्सपीरियंस जाने का शेयर किया था, जैसे उन लोगों का भी जाने का ही था, ट्यूनीशिया एयरपोर्ट का ही है। बाकी मैंने बहुत से वीडियो उधर के भी बना रखे हैं, जहाँ मैं गया था, सुस में गया था, सालाइन में गया था, सालिन बोलते हैं, मुंतशिर गया था, 3-4 शहरों में गया था, छोटे छोटे शहर होते हैं अपने से, काफ़ी छोटे, पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है। बाकी वीडियोस में आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक्स।